हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं टर्किश अडाना कबाब, जिसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको वन बाई वन बता देती हूँ। इसके लिए हमें रेड बेल पेपर चाहिए हाफ तकरीबन। 3 मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज ली हैं, 2 मैंने साबित लाल मिर्च ली है ड्राई, थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है, और इसके अलावा हमें बीफ चाहिए होगा। जो मैंने यहाँ पर बीफ आलमोस्ट यूज़ किया है वो कोई 500 ग्राम्स यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक या आपको जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो रेड बेल पेपर होगा उसको चॉप करना है। यहाँ पर देखा मैंने सब वेजिटेबल को काट लिया है, उनको ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है। आप इस तरह आपने इसको हर चीज़ को इस तरह चॉप कर लेना है। जब सारी चीज़ें मिक्स कर ली उसके बाद मैंने खुद ही स्कीवर्स बनाए। अगर पास आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल है तो आपके पास स्कीवर्स नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्कीवर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो हम यूजुअली कबाब को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने इसको इस तरह फॉइल में करके इसके स्कीवर्स बना लिए हैं, और उसके बाद मैंने इस पर वो कर लूँगी, मैं उसको लपेट लूँगी। और अगर आपके पास फाइल भी नहीं है तो आप इसके लिए सीखें, जो कबाब के लिए इस्तेमाल होती हैं, आप बेहतर है वही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फिर टूट जाएंगे। मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, फिर उसको मैंने हल्के आंच पर रखा हूँ, साइड पे मैंने उसकी वो रख लिए हैं। अब ऐसे करेंगे हम, हल्का हल्का उस पर स्प्रिंकल करेंगे उसको आयल को और पानी को, इससे क्या होगा धुआं बनेगा जिससे हमें वो हीट मिलेगी और हम कबाब इस तरह बनाएंगे।
तो ये देखें आप हमारी कबाब रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।